नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पदाधिकारियों को हर संभव अलर्ट रहने को कहा। जिले भर में उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा किया गया रवाना। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने स्वतंत्रता दिवस परेड स्थल का किया निरीक्षण, पूर्वाभ्यास और तैयारियों का लिया जायजा। घर गिरने से आधा दर्जन लोग दबे, ग्रामीणों के अथक प्रयास से लोगों की बची जान, मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। शिकारपुर थाना क्षेत्र में शव गांव पहुंचते ही पसरा मातम, पिछले दिनों यूपी में सड़क दुर्घटना में चालक की हुई थी मौत। सुगौली प्रखंड सभागार में डीडीसी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई जरूरी निर्देश। मधुबन में 10वीं के छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही तस्करी, मझौलिया पुलिस ने कई जगहों पर किया भट्टिया ध्वस्त। मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, अलग अलग मामले में 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुरुवार को मनाई गई पूर्व सांसद अनवारुल हक की 5वीं पुण्यतिथि, उनके गृह आवास सहित जिला कांग्रेस कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में रिकॉर्ड बारिश जारी, 12 जिलों में रेड अलर्ट तो बाकी जिलों में ब्लू अलर्ट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें तैनात। नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ गांव में चोरों ने की बिजली के पोल से तार की चोरी, गांव में पसरा अंधेरा। रक्सौल में युवा पत्रकार मनीष कुमार सिंह के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि, अनुमंडल के कई पत्रकार रहे मौजूद। और जियो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ उद्घाटन, मझौलिया इंस्पेक्टर साहब थाना अध्यक्ष ने फीता काटकर किया शुभारंभ। और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण जिले के दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने जिले के कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण छपरा सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित दियरा क्षेत्र के साथ डोरीगंज व मुसेपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी उन्होंने जायजा लिया। क्षेत्र के महाजी और मुसेपुर पंचायत में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित बाढ़ राहत आपदा कैंप शिविर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम अपने प्रशासनिक काफिले के साथ पटना से आरा छपरा पुल होते हुए सड़क मार्ग से करीब दिन के 2:30 बजे सारण पहुंचे। इस दौरान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुसेपुर में संचालित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी उन्होंने जायजा लिया व जिला अधिकारी को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आरा छपरा से ही दियरा क्षेत्र के जलमग्न तीनों पंचायतों का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव समुचित व्यवस्था बहाल रखे जाने का मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया। बाढ़ के भयावह स्थिति है, सदर ब्लॉक में 7 पंचायत जो है बहुत खराब स्थिति में है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी व्यवस्था होगा हम करेंगे। हम लोग बोले कि चिमकी और उसके बाद नाव सब चीज़ का राशन का व्यवस्था और 6,000 जो मिलता है उसका भी व्यवस्था करने के लिए बोले कि सब कुछ भरपूर मात्रा में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या यह इलाका बाढ़ क्षेत्र घोषित हो जाएगा? दम सही है, दम होना ही है, दम होना है। मुख्यमंत्री का दम आदेश है कि दम होना है। डीएम साहब भी बोले हैं कि जब सब कुछ मिलेगा, डीएम साहब भी बोल कर गए हैं। हम लोग यही मांग किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ व्यवस्था किया जाए हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ का स्थिति बहुत चरमरा गया है, स्थिति बहुत ख़राब है। हर घर घर के स्थिति इतना नाजुक हो गया है कि आना जाना अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गया है। कितनी पंचायतें प्रभावित? अभी अभी तो यहाँ लगभग 6-7 पंचायत प्रभावित बहुत ज़्यादा है सर। 8 दिन से भूखे मर रहे हैं, कुछ हमारा व्यवस्था नहीं हो रहा है, परिवार भी है हमारा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री से क्या क्या कि क्या तो वो बोले कि आइए रूम पर, पटना आइए, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। क्या बात? जी हाँ, बाढ़ पीड़ित है। तो अभी आप शरण कहाँ लिए हैं परिवार के साथ? परिवार के साथ बगल में रह रहे हैं, हम दुकान पर आ रहे हैं 2 रोटी के लिए।
सर। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हैं कि आप आइए पटना, जरूर मिल जाएगा आपके, खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज जिले भर में उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपने दफ्तर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकार के निर्देशानुसार यूरिया का निर्धारित मूल्य 266 रुपये प्रति बैग एवं डीएपी का निर्धारित मूल्य 1200 रुपये प्रति बैग है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी किसानों से अपील किया है कि निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक की खरीदारी करें। अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करना ईसी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसान उर्वरक लाइसेंसी दुकान से ही खरीदे एवं उर्वरक की खरीद के बाद कैश मेमो अवश्य लें, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी के साथ साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। यहाँ पे जो उर्वरक संबंध में बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जो रथ था उसको यहाँ से उसका शुभारंभ किया जा रहा है। बेसिकली कृषि उर्वरक क्षेत्र में एक क्रांति जो है यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। यूरिया 45 किलो का जो बैग है 266 रुपये 50 पैसे में यहाँ पे किसानों को उपलब्ध हो रहा है, और इतने सस्ते दर पे, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो पीओएस मशीन पे जो किसान हमारे जाते हैं और वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी 50 किलो का जो बैग है उसमें अलग अलग जो है खाद्य होते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश है, SSP है, इसके बाद अमोनियम सल्फेट है, इत्यादियों का दर भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि रियल टाइम जो है ग्रीवांस रिड्रेसल, इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा एक नंबर जो है दूरभाष नंबर प्रसारित किया जा रहा है, कोई भी किसान अगर कोई शिकायत होगी तो उसको अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है 0612-22-33-555। ये जो कृषि विभाग का, बिहार सरकार का नंबर है उस पर करेगा तो निश्चित उसका समाधान यहाँ पे किया जा रहा है। अभी क्योंकि खरीफ का मौसम है, यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है इस क्षेत्र के लिए, जिससे पूरे धान का जो है हमारा प्रोडक्शन जो है निर्धारित करता है, और धान का प्रोडक्शन से जो हमारी फूड सिक्योरिटी और जो आपूर्ति व्यवस्था है ये भी काफ़ी हद तक, इवन सहकारिता विभाग का पैक्स का भी जो परफॉर्मेंस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं पुनः एक बार जिला कृषि पदाधिकारी और उनके पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान मोतिहारी में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का अंतिम पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान विनीता सिन्हा परीक्षयमान पुलिस उपाधीक्षक एवं द्वितीय परीक्षयमान पुलिस निरीक्षक समलदेव एवं द्वितीय परीक्षयमान पुलिस निरीक्षक समलदेव राम के नेतृत्व में SSB बिहार, सैप, BMP महिला प्लाटून, जिला सशस्त्र बल महिला एवं होम गार्ड के जवानों द्वारा सलामी का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि परेड ग्राउंड की साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था की मुकम्मल इंतजाम किया गया है। 13 वर्षों के बाद इस बार मानसून ने बिहार में समय से पहले ही एंट्री कर ली थी। इस बार मौसम विभाग ने भी कहा था कि इस बार बारिश भी सूबे में रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका असर भी दिख रहा है। जून जुलाई में अच्छी बारिश के बाद अगस्त में भी मानसून अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। इस बार मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है जिसमें दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 15 और 16 अगस्त के लिए कुछ जिलों में रेड तो बाकी में ब्लू अलर्ट जारी किया है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट ने प्रशासन को टेंशन में ला दिया है। ऐसे में यदि और बारिश हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। NDRF और SDRF की 21 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बाकी जिलों में ब्लू अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर सहित अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी आदि में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी 24 से अधिक जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है। अगर इस बार फिर से बाढ़ की स्थिति बनती है तो कोरोना और बाढ़ का दंश झेल चुके किसानों को एक बार फिर से भारी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
शिवहर में पूर्व सांसद अनवारुल हक की पांचवी पुण्यतिथि उनके गृह आवास गढ़िया में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चाहने वालों और कार्यकर्ताओं ने गढ़िया पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय पूर्व सांसद अनवारुल हक के भाई पूर्व जिला पार्षद इजहारुल हक ने उनके पांचवी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके लिए दुआएं की। स्वर्गीय पूर्व सांसद अनवारुल हक के भाई पूर्व जिला पार्षद इजहारुल हक ने उनके पांचवी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी मगफिरत की दुआएं मांगी। वहीं स्वर्गीय पूर्व सांसद श्री हक के पुत्र अमजद हुसैन अनवर इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद, इस दौरान राजद नेता जमालुद्दीन उर्फ बच्चू, शिवहर प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशी मोहम्मद तमामुद्दीन एवं हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके गृह आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय शिवहर में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद की उपस्थिति में प्रवक्ता मुकेश कुमार, पूर्व पार्षद इजहारुल हक, स्वर्गीय सांसद के पुत्र पौत्र समेत अन्य। जी लगभग 5 साल हो गए और ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चला। तो आज अपने गांव में शिवहर में जहां पे हम लोग का घर है वहां पे एक प्रोग्राम रखा गया और हजारों की तादाद में लोग आए, भीड़ जुटाए, अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो अपनापन उनका लोगों में बना हुआ था वो अभी भी बरकरार है, वो कहीं नहीं गया। और हमने दुआ भी रखी थी आज के दिन और उनके लिए दुआ भी हुई और कई लोग जो है आज भी उनके किस्से कहानियां अभी भी बताते हैं लोग और कुछ ऐसी ऐसी बात भी बताते हैं जो लगता है कि आज मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा अभी बहुत सारा चीज़ है जो हमको खुद उनके बारे में नहीं पता है जो लोग अभी भी बताते रहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है ये चीज़ लोगों के बीच में देख करके। विशेष समकालीन अभियान के तहत मसौलिया थाना कांड संख्या 443/2021 बिहार उत्पाद मध्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30A के तहत परसा मौजे वार्ड नंबर 4 निवासी सिंहासन महतो के पुत्र कृष्णा महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके पास से 1 लीटर देशी शराब भी पुलिस ने बरामद किया है। इधर थाना कांड संख्या 476/2019 में फरार नामजद अभियुक्त चनायन बांध निवासी स्वर्गीय बाबूराम मांझी के पुत्र विनोद मांझी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जेल भेजा गया नामजद दंगा कांड का भी आरोपी है। मझौलिया थाना कांड संख्या 476/2019 का जो दंगा का केस है जिसमें विनोद मांझी पिता स्वर्गीय लालू राम मांझी को गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस पर हमला से संबंधित है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है लेकिन आए दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से शराब बरामदगी की खबरें आ रही हैं। लगातार शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। ताजा मामला मझौलिया थाना क्षेत्र की है जहां गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की। बताया जाता है कि अहवर, शेख लाल, सरैया, बखरिया, धांगा टोली आदि जगहों में उत्पाद विभाग एवं मझौलिया पुलिस की संयुक्त छापेमारी चली जिसमें एक गन्ने के खेत में संचालित हो रही चुलाई शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। साथ ही 2000 लीटर रॉ मटेरियल को भी नष्ट किया गया। वहीं 14 लीटर देशी शराब पुलिस ने बरामद भी की है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। उत्पाद की टीम तथा जिला उत्पाद टीम और मझौलिया थाना की टीम तीनों संयुक्त रूप से अहबरपुरिया एवं लालसरैया में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में लालसरैया से के छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति 1 लीटर दारू लेकर भागा जा रहा था जिसका नाम है कृष्णा महतो, पिता सिंहासन महतो, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आठ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसका नाम मनोहर महतो, डुगन महतो, सुरज महतो, मुन्ना महतो, अजय महतो, देवेंद्र महतो, गुड्डू महतो एवं संजय ढांगर है। इन लोगों के द्वारा बृहद पैमाने पर छोटा लघु उद्योग टाइप का क्या कहते हैं लघु फैक्ट्री खोल कर अपना निर्माण सरे हमें किया जा रहा था जिसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। जो 4 जगह चल रहा था पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। करीब 2000 लीटर पास को भी नष्ट कर दिया गया है। अब इन लोगों के जहां पर स्थान था वहां से 15 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया है। नरकटिया प्रखंड के सोमगढ़ गांव में बीती रात चोरों ने बिजली के पोल से तार की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 9 बजे लाइट कटी, उसके बाद से लो वोल्टेज मिला, फिर कुछ समय के बाद पूरी तरह से लाइट कट गई, उसके बाद पूरी रात लाइट नहीं आई।
सुबह ग्रामीणों द्वारा देखा गया तो ट्रांसफार्मर से गांव में जाने वाली बिजली की 13 पोल की तार पोल से गायब है। वहीं संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को सूचना देने के लिए जेई व एसडीओ को फोन किया गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गांव में बहुत दूरी पर विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया गया है, साथ ही रात्रि में हमेशा बिजली आती जाती रहती है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। अगर गांव के नजदीक ट्रांसफार्मर होता तो शायद आज गांव अंधेरे में नहीं रहता। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही बिजली विभाग से गांव में तार लगाकर लाइट चालू करने की भी मांग की है। वहीं इस संबंध में एसडीओ आलोक कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर विभागीय जेई को भेजकर जांच कराई जा रही है, मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। समस्या है कि मेरे गांव के बगल में जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई वाली तार है उसको 13 पोल का तार उतार लिया गया है रात, और बराबर के लिए 2 घंटा 1 घंटा पे लाइट कटती रहती है रात्रि में, तो समस्या ये तो बना रहता है। लेकिन जब ये रात 11 बजे समथिंग तार उतार लिया है लोग चोर द्वारा, तो हम लोग विभाग को सवेरे सूचित किए जेई साहब और एसडीओ साहब को, तो दोनों आदमी फ़ोन नहीं उठाए, इसलिए हम लोग को साबित होता है कि विभाग का कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिससे कि ये समस्या हम लोग के सामने आया। पोखरा टोला के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद 440 वोल्ट का जो केबल है लमसम 13 पोल रात को काट लिया गया है, मतलब चुरा के। कौन काटा है, कैसे काटा है, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रात को बारिश हो रहा था। सुबह में इधर कुछ लोग आया तो देखा कि पूरा केबल गोल हो गया है। और दूसरा समस्या है कि राशन, मतलब कि राशन तेल भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। और आगे भी दो रोज चार रोज जब तक ये मतलब इस केबल नहीं लगाया जा रहा है विभाग, बिजली विभाग के द्वारा, तब तक हम लोग को कम से कम 400 घर है जिसका अंधेरा में ही कटेगा। विभाग को सूचना दिए थे इसके? हाँ, विभाग को सूचना हम सुबह में दिए थे, इसके विभाग इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। मधुबन थाना क्षेत्र में एक 10वीं के छात्र की हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। बताया जाता है कि छात्र को कुछ लोगों के द्वारा घर से बाहर बुलाकर उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला पकड़ी दयाल की एकौना चौर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गाँव के योगेंद्र बैठा का 15 वर्षीय पुत्र जय किशोर कुमार गाँव में ट्यूशन पढ़कर करीब 8 बजे घर आया, नाश्ता करके बैठा था। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसे बुलाकर ले जाया गया, जिसके कुछ ही घंटे बाद उसकी हत्या की खबर मिली। सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष विनीता सिन्हा, दारोगा राजेश कुमार दलबल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। पुलिस ने छात्र का मोबाइल फोन जब्त किया है, जिसके आधार पर जाँच की जा रही है। सुगौली प्रखंड परिसर स्थित सभागार में पीएम आवास योजना व मनरेगा को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उप विकास उपायुक्त कमलेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना की स्थिति का पंचायत वार जानकारी ली, साथ ही जॉब कार्ड मैपिंग का कार्य ससमय कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। आगे उन्होंने कहा कि प्रखंड में करीब 800 आवास पेंडिंग है, जो ठीक नहीं है। योजना के तहत 90 दिन में आवास का कार्य पूरा हो जाता है। डोर टू डोर कर्मी सभी पेंडिंग आवास लाभुकों से मिलकर हर हालत में 1 माह के अंदर पूरा करें। यदि इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बरती गई तो आवास सहायक व संबंधित कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर वीडियो सरोज बैठा, राम विनय कुमार, संजय सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आज एक हम लोग यहाँ पर समीक्षा की है जी। और हम लोग क्या है, मनरेगा जॉब कार्ड मैपिंग का कार्य चल रहा है जी। तो उस कार्य में एक गति लाने के लिए निर्देशित किए जी। और इसके साथ ही वहाँ पर आवास प्लस का काम चल रहा है जी। कि जो अभी जो PMY में जो छूटे हुए जो लाभुक थे उनको आवास प्लस से आच्छादित किया जाना है जी। तो था कि उसके जितने भी डाटा है उसको पूर्णतया शुद्ध कर दिया जाए, ताकि जब भी किसी लाभुक को हम लोग दें तो डाटा के चक्कर में प्रगति बाधित नहीं हो जी। इसके साथ ही हम लोग किए कि जो हमारा यहाँ पर 800 के करीब आवास पूर्णता हेतु लंबित है, तो उसको आप एक एक लाभुक वाइज जाएं और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको जान करके उसको दूर करने का आप प्रयास करें और उसको भी ससमय पूरा कराएं, क्योंकि जो हमारा आवास है उसको तो मैंने 90 दिन में बन जाना चाहिए, लेकिन ये भी
यहाँ पर जो भी आवास पेंडिंग है उसको ककल उससे ज़्यादा दिन से पेंडिंग है। ये हम लोग एक महीना के अंदर में यदि मैंने कुछ प्रगति ठीक नहीं दिखी तो हम लोग यहाँ के आवास सहायक पर और संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई पर निर्णय लेंगे। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोनासती गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब उत्तर प्रदेश से दिलीप की शव को लेकर एम्बुलेंस गांव पहुंची। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोग निजी वाहन से वैष्णो देवी धाम गए थे। वापसी के दौरान बुधवार को लखनऊ के पास चलती गाड़ी की टायर फटने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस घटना में चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि गाड़ी में सवार 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया अनिल शाह समेत गांव के कई लोग लखनऊ के लिए निकले और वहां पुलिसिया औपचारिकता के बाद शव को लेकर गांव पहुंचे। इधर सोनासती गांव में शव पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारिश के कारण बुथौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महनवा वार्ड नंबर 12 में एक फूसनुमा घर अचानक गिर गया जिससे घर के सभी सदस्य दब गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घर गिरने की आवाज को सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और काफी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि अगर जरा सा भी देर हो जाती तो आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाती। वहीं उप मुखिया हसमत अली ने घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच पीड़ितों का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी प्रखंड के आला अधिकारियों को दी, साथ ही हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिलाया। बताया जाता है कि घर गिरने के कारण इसके अंदर रखे सभी सामान बर्तन बाइक कपड़ा बताया जाता है कि घर गिरने के कारण इसके अंदर रखे सभी सामान दब गए हैं और पीड़ित परिवार दूसरे के घरों में शरण लिए हुए हैं। हम गिर गए नहीं, उसमें दबा गए नहीं, कोई तो लोग भींग गए नहीं, कल लोग कुछ सरकार के मदद मिले जो हम रह गए हम लोग को। क्या घर गिर गई बा? कल बड़ा बारिश होता रही, वही बारिश में घर गिर गई, हमके सब परिवार में दबा गए नहीं, सर लोग आए तो हमने की कल ले बाटे खाना बनत रहे आगे लगे से बच गई। अनाज पानी सब अनाज पानी वही में दबा गई बा। चाहत अनुसन प्रशासन से जो हमने के घर कल के बारिश में बहुत भयंकर गिर गई बा, सब आदमी वही में दबा गई, साइड वाला आदमी देखलक तो आइल तो घींच घींच के निकल का अनाज पानी सब छिटा उटा गई वही में खाए गए है बेरा अथी नहीं खे रहे के कोनो शरण नहीं खे। हमने चाहत हनी समझे गवर्नमेंट के ओर से कुछ हमने के राहत खातिर एह बेरा रहे खातिर कुछ मुआवजा प्लस एह बेरा रहे खातिर तिरपाल वाल के व्यवस्था हो जा। युवा पत्रकार मनीष कुमार सिंह के निधन पर रक्सौल में एक स्थानीय विवाह भवन के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। पत्रकारों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता NUGI के रक्सौल अनुमंडल संयोजक विपिन कुशवाहा ने की। इस दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी। इस घटना के बाद जिले और प्रखंड के सारे पत्रकार काफी आहत है, मर्माहत है। आज उन्हीं के आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का रक्सौल में आयोजन हुआ था। मैं विपिन कुशवाहा NUGI रक्सौल अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष के नाते मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मनीष कुमार सिंह के हत्या में शामिल सारे हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो, उन्हें SPD ट्रायल चलाकर सजा दिया जाए, मृतक के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मृतक पत्रकार के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू करे और पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी ले। मझौलिया में पुराना पेट्रोल पंप के पास इंस्पेक्टर साह थाना अध्यक्ष ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर जियो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के प्रतिष्ठान खुलने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें होलसेल व रिटेल खरीदारी के लिए जिला मुख्यालय बीतिया और सुगौली नहीं जाना पड़ेगा। JMD लॉन्च कर रहा है रिलायंस जियो, जिसमें उपभोक्ता को 20,000 प्लस प्रोडक्ट रहेंगे, जिसमें मार्केट वैल्यू से यहाँ पे बेनिफिट होगा, जो यहाँ पे ऑर्डर करके अगर चाहेंगे कस्टमर के घर पे होम डिलीवरी कराने के लिए तो होम डिलीवरी भी हो सकता है, या अगर चाहेंगे स्टोर पे आने के लिए तो स्टोर पे भी सामान आ सकता है। इससे बहुत सारा कस्टमर को बेनिफिट।
आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीडीपील के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।